तो यहाँ पे हम करते हैं कंडीशन, हमें सिर्फ कंडीशन लगाना है, इफ कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे सिंगल कंडीशन है, सिंगल रिजल्ट है। यहाँ देंगे कि इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन रेंज वी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये कंडीशन जो इसको रन करेंगे तो सिर्फ एक सेल मतलब कि ए टू को करेगा सिर्फ, जब इसको हम रन करेंगे तो सिर्फ एक रन किया, हाँ यार कुछ नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे 70 कर लूँ तो आया 500 आया, बाकी को कैसे करेंगे, बाकी को कैसे करेंगे। तो एक एक करके हर किसी के लिए कोड लगाना संभव नहीं है, तो मुझे कोड सेम रखना है, बस इसमें इसका रेफरेंस ही तो चेंज करना है। तो उस केस में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक ही पर्टिकुलर कोड को कई बार रन करना चाहते हैं, उस कोर्स में हम लूप इस्तेमाल करते हैं। तो लूप दो तरह के होते हैं, फॉर लूप एंड डू लूप। तो फॉर लूप के दो पार्ट हैं, फॉर आई एंड फॉर इच। यहाँ पे फॉर आई करते हैं क्योंकि मेरे पास एक स्टार्टिंग टू एंडिंग है, मैंने बोला कि फॉर चले टू से क्योंकि दूसरे नंबर रो से स्टार्ट है और कहां तक चले 56 नंबर रो तक, तो 56 कर दिया, मतलब कि 55 रो को टाइम रिपीट करेगा इस कोड को। ठीक है, इस लाइन को 55 टाइम्स रिपीट करेगा, और इसका काउंट कैसे करेगा कि 55 हो चुके हैं या 56 हो चुके हैं। तो आई जो है एक वेरिएबल है, एक स्टोरेज पॉइंट है, ये इसका हिसाब रखती है, मतलब तो आई के ऊपर हर बार वैल्यू इंक्रीज होता है कि यहाँ पे वन पहली बार रन होगा तो ये आई इक्वल टू होगा, दूसरी बार रन होगा तो आई थ्री हो जाएगा, आई फोर फाइव सिक्स ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे ए टू है तो मैं एक काम करता हूं, इस आई को यहां रेफरेंस में ले लेता हूं एन परसेंट के साथ और यहां एन परसेंट के साथ आई। ठीक है, क्लियर है? एंड परसेंट के साथ क्यों गया सर आई को? कंबाइन किया मैंने, ओके इसको स्टेप इन्फो करूंगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें विवर्ब में एफेक्ट एफेक्ट से लाइन बाय लाइन रन कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आई का मान क्या है, टू है, टू है ना। जी तो यहां पे ए और आई मिलके क्या बन गया, ए टू बन गया। समझ गए?
को रन करें और इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करेगा। तो जितने भी नंबर सब में देखिए 500 दे दिया, लूप समझ में आ गया आप लोगों को? लूप क्या करता है जी? जी अब क्या समझ में आया? तो अब यहां इस पे फोकस करते हैं। इसमें हमने आज लिखा कि a a से a2 और वैल्यू इक्वल टू दैट, क्योंकि सिंगल रिजल्ट एंड सिंगल। अब मुझे यहां पे डबल मैं ये भी करना चाहता हूं कि जहां पे वैल्यू नहीं है उसको कलर कर, जहां पे वैल्यू हम डाल रहे हैं उसको साइड में कलर भी कर, ठीक है? तो उस केस में दैन के बाद मुझे यहां नीचे तोड़ना पड़ेगा और फिर यहां पे कलर करने की जो कोडिंग होती है वो कोडिंग करना पड़ेगा। रेल्स डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम जो भी होता है। 6 बजे से उठे हो तुम, आज नहीं आया। और फिर आपने यहाँ पे एंड इफ क्या करना पड़ेगा, एंड राइट। तो ये क्या करेगा, एक मिनट, एक नाम को दो मैक को नहीं हो सकते। रन करता हूं, देख गया कलर भी कर दिया और ये, लेकिन मुझे एज चाहिए। मैं चाहता हूं कि अच्छा 50 से नीचे हुआ तो हम कुछ और देखना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे एस और फिर अपनी कंडीशन दे देंगे। तो एस हम ऐसे इसके साथ लगाते हैं, राइट। मैं आपको वो इस कंडीशन वैल्यू और एस एस लगा लो सामने आ, ठीक है? तो ये आपका इफ एल्स कहलाएगा। अब बात करते हैं कि मुझे अगर दो कंडीशंस लगाने हो तो, मतलब कि मुझे करना है कि 50 टू 80 वाले को 500 देना है, दो कंडीशन ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80, इसमें एंड है। तो यहां पे हम एक और कंडीशंस के लिए एंड लगाएंगे, क्या लिखाएंगे एंड, और यहां पे लिखेंगे रेंज ए के साथ हमने कंबाइन किया आई को डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू ठीक है। समझ में आएगा? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। एंड ऐसे थर्ड फोर्थ फाइव कंडीशंस को यहां पे आप एल लगा सकते हैं और भी इसी तरह से लगा सकते हो आप यहां पे। अगर कुछ ऐसे कंडीशन, तो दोनों रिक्वायर है, कुछ ऐसी कंडीशन हुई जो रिक्वायर ना हो, ऑप्शनल हो, तो यहां पे आप और का इस्तेमाल एंड की जगह पे कर सकते हैं, ठीक है? हेलो हेलो जी, अब चलिए इसमें हम नेस्टेड इफ की बात करते हैं। नेस्टेड इफ की बात, जैसे मैं यहां पे सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर, इस तरह से हम यहां पे करते हैं, थ्री सब्जेक्ट ही करते हैं मान लीजिए, और यहां पे मुझे रिजल्ट देना है। अब यहां पे क्या है कि रिजल्ट अगर सब 30 से ऊपर है
तो पास करना, अदरवाइज फेल करना। ठीक है, तो यहां पे लगाएंगे सब्जेक्ट आर आर स्लैश टू ब्लैंक ओपन एंड क्लोज। फिर यहां देते हैं कि फोर I इक्वल टू चले वन टू टू से रखूंगा टू 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 टू। अब यहां पर मैनुअली चाहे तो फोर डाल सकते हैं, पर क्वेश्चन ये है कि मैनुअली डाल देंगे तो कल के डेट में अगर बढ़ेगा घटेगा तो यहां पे ऑटोमेशन करने के लिए हम यहां देंगे अपना सिलेक्शन मेथड वाला जो तरीका था वो ए 65,000 डॉट एन एक्सएलएस अप डॉट रो। ठीक है, और फिर यहां पे कंडीशन होगा कि इफ, अब देखिए इसमें है तीन कंडीशन है, तो अगर मान लीजिए कि सिर्फ रिजल्ट पास और फेल दो ही देना है तो कंडीशन ये लगा देंगे कि इफ रेंज ए के साथ कंबाइन है आई डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड रेंज ए के साथ कंबाइन है आई डॉट वैल्यू ए के साथ यहां बी हो जाएगा कॉलम बी बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और एन रेंज सी के साथ कंबाइन है इसका आई आई डॉट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 30 कर दी 30 से ये गलती कर दे देन रेंज डी के साथ कंबाइन कर दिया हमने आई डॉट वैल्यू इक्वल टू पास। और एल्स में हमने दिया और बोल दिया फेल, तो डी को बना दिया। और यहां पे एन देखिए एल्स यहां पे गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि इसका स्पेलिंग मिस्टेक है। अब सही राइट मनाया सर, लेकिन मुझे बताना है कि किस सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है। तो एक सब्जेक्ट का नाम मेरा पहला सब्जेक्ट से क्रॉस लगा है, तो उस केस में इस्तेमाल नहीं करेंगे इस मेथड। उसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम नेस्टेड इफ, जिसका नेस्टेड कि सब आर आर स्लैश थ्री बाय सिक्स क्लोज। यहां देन टू सेट देन तो यहां इस पर आना चाहिए था ठीक है, और एल्स यहां आ जाएगा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट थ्री कि मतलब ए जो हुआ रेन इसका पार्ट इसका एल्स है और इसका रिजल्ट है और इसका एन है। अब दूसरा नंबर के लिए मुझे मुझे यहां दोबारा से डालना है। फिर
फिर तीसरा के लिए ले आना एस टू एस वन, समझे? एक आता है नेस्टेड इफ, समझ गए? इस तरह से मैं इसका इसलिए कर रहा हूं ताकि सेग्रीगेशन पता चल सके, ठीक है? कि इस इफ के अंदर में ए ट्रू पार्ट है और ए फॉल्स पार्ट है, इस इफ दूसरे इफ के अंदर में ए ट्रू पार्ट है ए फॉल्स पार्ट है, और तीसरे के अंदर में ए ट्रू पार्ट है और ए फॉल्स पार्ट है। तो नेस्टेड इस तरह से एक इफ के अंदर एक इफ लगा सकते, ठीक है सर? करो नेक्स्ट आई नेक्स्ट आइडिया सर, ये करते ही नहीं क्या? नेक्स्ट आई का क्या है? आई जैसे कि लूप है, ये पूरा कंडीशन लूप के अंदर में है ना। जो हमने फोर लूप लगाया है इसको बताना पड़ेगा किस कितने डेटा को रिपीट करना है, कितने कोड को रिपीट करना है। तो फोर और नेक्स्ट के बीच में जितने भी नंबर होंगे उसको उतना बार रिपीट करेगा जितना बार हमने टू टू फोर या वन टू फोर लग चुके हैं, लेकिन दे रखा है, ठीक है? अब मैं बात करता हूं इसकी एल्स इफ, ठीक है? एल्स एल्स इफ मतलब कि मेरे पास यहां पे वैल्यू है कि 0 to 40 हो, तो यहां पे 100 आना चाहिए, 41 to 60 है यहां पे 500, 61 to 80 हो यहाँ पे 1000, एंड 81 to 100 है तो यहाँ पे 2000, एंड ग्रेटर देन 100 पे 5000, ठीक है? ये हो जाएगा एल्स का पार्ट। देखिए इसको कैसे करेंगे वीडियो में, यहाँ पे कोड लिखेंगे और सब्जेक्ट करते हैं आर आर फोर, क्या होगा कि इफ इफ रेंज आई ओ आपने यहां पे इसके साथ इसका आई करना होगा, क्या हो रहा है की पैड लग रहा है चेंज करना डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 49, और यहां पे लूप लगाना पड़ेगा क्या कहेंगे कि फोर आई चले 1 to 1 to रेंज ए 65000 डॉट वैल्यू ए 65000 डॉट एंड एक्सेलेंस ऑफ डॉट रो, ठीक है? देन यहां पे करते हैं, तो यहां देखिए रेंज बी इसके साथ कंबाइन होगा आई डॉट वैल्यू इक्वल टू 100, और फिर हम यहां पे else
एज एयर, और फिर कंडीशन है, और यहाँ पे 40 की जगह हो जाएगा 60 और तो हो जाएगा 5. हो जाएगा और यहां पे 1000 और फिर एल्स इफ और यहां पे 100 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा 2000 और फिर एल्स और यहां पे हो जाएगा हमारा 5000 और नेक्स्ट आई माया सर सर ये नहीं आया कहाँ दिक्कत हो रही है बताइए सर मुझे बेसिकली क्या है ना ये... हमारा जो स्लैब देख रहे हैं आप ना स्लैब देख रहे हैं जी 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 इन सबों में से जितना इस लगाएंगे कोई एक इफ ही सक्सेस होगा समझ गए तो यहां पे कंडीशन हुआ कि अगर ये लेस देन 40 हुआ तो रिजल्ट दे दो और बाकी सबको इग्नोर कर दो समझ गया ओके सर ये लेकिन एक सेल के लिए होगा ना नहीं हमने यहाँ पे लूप के अंदर डाला हुआ है ना हाँ हाँ बट जो रिजल्ट आएगा वो कोई सा भी एक इफ लेगा तो वो कोई एक सेल के लिए लेगा फिर वो नेक्स्ट रन करेगा दूसरे सेल के लिए पूरा कमांड हाँ ऐसे ही 1x1 चलेगा सर है ना हाँ, ऐसे ही होगा ना हाँ सर ओके ठीक है और उसमें से कोई सा भी एक ट्रू हो गया उसके बाद वो नेक्स्ट स्विच करेगा लेकिन इसको आसान अगर करना है आपको तो एक और आसान हमारा होता है केस सेलेक्ट सेलेक्ट केस होता है वो भी इसी तरह इफ के तरह ही परफॉर्म करता है लेकिन एक सब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे लेंदी ए होते हैं यहाँ पे दे दिया यहाँ क्या होगा आई ऊपर से कॉपी करना था यहाँ पे सेलेक्ट केस रेंज ए के साथ आई डॉट टू वैल्यू ठीक है अब यहां पे देना है केस 0 to 40 समझ गए और यहां पे रिजल्ट देना है आपको रिजल्ट 100 फिर केस 41 to 80 केस 60 है ना आपकी जगह 60 और यहां पे 500 फिर केस 61 to 80 रिजल्ट 1000 फिर केस 81 to 100 रिजल्ट 2000 और यहां एल्स यहां भी लगता है एल्स रिजल्ट 5000 और यहां पे एंड सेलेक्ट ये आसान हुआ इसमें केस जो है आसानी से लगा सकते हो जैसे कि आपको यहां केस करना है कि ग्रेटर देन 60 तो ग्रेटर देन 60 कर सकते हैं इस तरह डायरेक्टली
बिटवीन नहीं करना है, यहाँ पे मुझे मान लीजिए पांच करना है, जैसे 60 हो, 50, 40 हो, 50 हो, 20 हो, 21 हो, और लगाने की जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। द केस जो है जब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होते हैं वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है सर जी। तो कंडीशंस एंड लूप्स समझ में आ गया आपको जी। तो लूप पे नजर डालते हैं। लूप जो है हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है फोर लूप, जैसे फोर लूप, और दूसरा होता है डू लूप। फोर लूप जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, फोर आई एक वेरिएबल जिसमें एक स्टार्टिंग टू एंडिंग डालना पड़ता है, एक होता है इच एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। डू डू कंडीशन होते हैं वाइल और अंटिल के कंडीशन पे चलते हैं। तो टोटल चार लूप माने जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि लूप के बहुत सारे कुछ वीडियोज हमारे यूट्यूब पे मैंने बना रखा है, वो वीडियोज मैं आपको भेजू सर देखने के लिए जी, सही रहेगा ना, और ज्यादा एडिट कर लेंगे आप। तो मैं आपको अभी 5-7 वीडियो लूप्स के भेज रहा हूँ, तो लूप को देखिए, फिर जहां दिक्कत होगी वहां हम कल आपके साथ कनेक्ट करके रिजॉल्व कर देंगे। सर इसमें फॉर लूप में आपने इंक्रीजिंग लूप तो किया, अगर डिक्रीजिंग करना हो तो कैसे होगा, जैसे बड़े से छोटा करना हो तो स्टार्टिंग टू एंडिंग ही चलेगा, जैसे 5 to 10 चलेगा, 10 to 5 नहीं आएगा। अच्छा ठीक है ना, लीनियर चलता है। और सर इसमें यूजुअली आप जो ये लास्ट रो सिलेक्ट करने के लिए जो सिलेक्ट करते हो फॉर्मूला, उसमें और कोई ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर हमें काफी दफे क्या होता है कि जैसे वर्कशीट में 65,000 रो नहीं होते हैं, ज्यादा रो भी हो सकते हैं, तो 10 लाख कर दीजिए। हाँ 10 लाख, तो ऐसा कोई दूसरा कोड नहीं है जिससे मतलब डायनामिकली पता चले कि भाई कितने लास्ट रो कौन सी है उसमें? तो सर ये तो डायनामिक है, इससे बेटर कोई नहीं है, इससे और भी तरीके हैं लेकिन इससे बेटर नहीं है। अच्छा ठीक है ना, और भी तरीके हैं लेकिन इससे बेटर नहीं। तो मैं लूप की कुछ वीडियोस आपको देख रहा हूँ नील पे, अभी उसको देख लीजिएगा और जो कॉलम होगा उसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, जहां कॉलम होगा वहां आप उसको नोट कर। ठीक है, मैं 4-5 वीडियो भेज रहा हूँ। और प्रीवियस क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक, डाउट वगैरह हो तो सिर्फ नोट पैड में नोट कर लिया करो, क्योंकि याद तो रहती नहीं ना, इसलिए। तो मैं ये भेज रहा हूं और आज की वीडियो में मेगा ड्राइव में डाल देता हूं, मिल जाएगी जी। ओके।